जानिए कैसे एक हैकर ने $1 मिलियन बैंक से स्टील करके फलस्तीन के लोगों की हेल्प की और फिर उसके साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको आज की वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी नॉलेज में इजाफा करें ब्रेन मैटिन गैलेक्सी के साथ। हमजा जो कि एक अल्जीरियन हैकर है, इसने अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना वो कर दिखाया जो किसी के जहन और गुमान में भी नहीं था। इस शख्स ने USA के बैंक से $1 मिलियन चुराए, वो भी एक कंप्यूटर वायरस की हेल्प से। बाद में इसने इस अमाउंट को फलस्तीन के लोगों की हेल्प के लिए डोनेट कर दिया। हमजा जो कि सिर्फ 27 साल का था, इसके पास कंप्यूटर साइंस की तालीम थी। हैकिंग करना एक क्राइम है, लेकिन इसने अपनी हैकिंग स्किल्स यूज़ करके फलस्तीन में फंसे लोग जिनके पास खाने को खाना नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे और वो जंग में फंसे भूखे प्यासे मर रहे थे, उनकी हेल्प के लिए एक बड़ी अमाउंट बैंक से स्टील करके उन्हें डोनेट कर दी। ये शख्स बहुत से लोगों की नज़रों में मुजरिम था तो बहुत से लोगों की नज़रों में हीरो। इसको मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाने लगा, जैसे रोबिन हुड या साइबर एज हुड लिया। इस शख्स ने कंप्यूटर वायरस की हेल्प से किसी एक बैंक से डॉलर स्टील नहीं किए, बल्कि इसने अमेरिका के पूरे 200 बैंक से $1 मिलियन फलस्तीन की हेल्प के लिए स्टील करके डोनेट कर दिए। इसके पास जो वायरस था, उस वायरस ने US के 1.4 मिलियन कंप्यूटर हैक किए हुए थे। इसके पास जो वायरस था उसको स्पाई आई वायरस कहा जाता था, जिसकी कॉपीज इसने बहुत से लोगों को सेल कर दी थी। ये हैकर टॉप हैकर्स में से नंबर 1 पे था। इसने तकरीबन $28 करोड़ फलस्तीन भेजे। ये शख्स वहाँ के लोगों की नज़र में हीरो था, लेकिन क्राइम तो क्राइम होता है। इस शख्स को थाईलैंड की पुलिस ने पकड़ लिया, बाद में इसको US अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया। इसको 65 साल की सज़ा हुई और $14 मिलियन तक का जुर्माना लगा। बहुत सी रूमर उठी कि इसको सजाए मौत दे दी गई, लेकिन US के ऑफिशल्स ने यह क्लेम किया कि कंप्यूटर क्राइम की वजह से हम किसी को सजाए मौत नहीं दे सकते और इसमें कोई डेथ पेनल्टी नहीं होती। इस हैकर के बहुत से सपोर्टर थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया कि इसको फ्री किया जाए और साथ में फलस्तीन को भी। इसके सपोर्टर्स हैकर ने बहुत सी वेबसाइट हैक कर ली, एयर फ्रांस और बहुत से बैंक हैक कर लिए और उनके साइट्स पर यह हैशटैग चलाए, फ्री हमजा एंड फ्री फलस्तीन। इस रिपोर्ट को फेमस न्यूज़ चैनल अल जजीरा पे भी एयर किया गया। ये थी हमारी आज की वीडियो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपकी सपोर्ट से हम इस चैनल को मजीद ग्रो कर सकते हैं। जुड़े रहिए, साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।